मेरा एक ही मोटिव है वीडियो बनाने का, वो भी सिंपल है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है वो खुद से अर्निंग सोर्स कमाए, वो खुद से पैसे बनाना सीख जाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त स्वस्थ और सभी के दिन सही से जा रहे होंगे। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक अच्छा खासा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो बिना कोई स्किल के, बिना कोई पैसा लगाए हुए, ठीक है। व्लॉगर्स, डेली व्लॉगर्स लोगों के बारे में जानना, मतलब जो आज का वीडियो बना रहे, जो मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो आप लोग देखते रहेंगे और खुद क्या कर रहे हो, बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो। मेरा एक ही मोटिव है वीडियो बनाने का, वो भी सिंपल है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है वो खुद से अर्निंग सोर्स कमा, वो खुद से पैसे बनाना सीख जाए। तीन चीजों का ध्यान रखना आपको, वो मैं लास्ट में बता दूंगा, तब तक वीडियो का एंड तक देखना, ठीक है। मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा व्लॉग से साथ साथ, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। तो घंटी बजा देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि वीडियो अपलोड करते आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम मीशो से एक प्रोडक्ट उठाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको फोन एक चाहिए और नेटवर्क चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, मीशो से एक प्रोडक्ट उठाएंगे। प्रोडक्ट कैसे उठाना है, उसकी फोटो डाउनलोड करने हैं और वो फोटो करने अपलोड मार्केट प्लेस में, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं चला गया फायरफॉक्स में, ठीक है। वहाँ पर मैंने सर्च कर दिया मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑन फेसबुक, ठीक है। भाई ये बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हो फेसबुक पर सबसे ज़्यादा सेलिंग को प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। मैंने सिंपल कर दिया, मतलब ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए था मुझे, तो मैंने देख लिया दूसरे नंबर पर फर्नीचर एंड होम डेकोर। इस पर नज़र पड़ते ही मैं चला गया मीशो में, ठीक है, क्योंकि हम करने वाले हैं मीशो रिसेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये टी शर्ट वगैरह जो भी लिखा था काट दिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने होम डेकोरेशन आइटम। और यहाँ पर मुझे 5-10 मिनट ढूंढने के बाद मैंने कुछ मतलब यूनिक सा ढूंढना चाहता जो कि कस्टमर को देख के भी पसंद आ जाए। बाद में थोड़ा सा मुझे कुछ अच्छा लगा, यहाँ पर आर्टिफिशियल वगैरह जो भी था उसके मैंने रिव्यूज़ वगैरह देख लिए जो काफ़ी कूल लग रहा था, तो मैंने शेयर कर दिया और इसके फ़ोटोज़ डाउनलोड कर दिए, ठीक है। बाद में चला गया मैं फेसबुक पर और यहाँ पर चला गया मैं मार्केट प्लेस में, यहाँ पर सेल योर लिस्टिंग, क्रिएट लिस्टिंग, सॉरी, यहाँ पर आइटम्स, और बाद में मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ अपलोड कर दिए, ठीक है। भाई जब मैंने पहले भी 1-2-3 बार ट्राई किया था तो इसलिए ये फ़ोटोज़ दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये फ़ोटोज़ मैंने अपलोड कर दिए और मैंने टाइटल में लिख दिया होम डेकोर, ऐसे लिख दिया ऑरली, ठीक है, होम डेकोर आइटम। आफ्टर दैट सबसे मेन चीज़ वो आता है प्राइस। मैंने देख लिया इसका प्राइस क्या है, ठीक है। मैं चला गया फिर से मीशो में और यहाँ पर मैंने देख लिया इसका प्राइस 74 और डिलीवरी चार्ज इसके थे 91, वो हो गया 165। और मैंने अपना ऐड किया जो कि मार्जिन था, मैंने ऐड कर लिया थोड़ा सा सोच के मैंने 120 ऐड कर लिया, ठीक है। ये आता है 285, पर मैंने 285 नहीं लिखा, आपको थोड़ा सा अच्छे से मतलब लिख देना जो कि कस्टमर को लगे। मैंने लिख दिया 279 जो कि लग रहा है 270, और थोड़ा सा मतलब यह बिजनेस टैक्ट आप समझ सकती हो। और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया फ्री डिलीवरी, तो थोड़ा सा सोचा मैंने क्या लिख दूँ डिस्क्रिप्शन में क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने लिख दिया आई सीट फ्री डिलीवरी एंड प्रीमियम कार्ड, ठीक है। तो बाद में मैंने थोड़ा सा और लिख दिया डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया, ताकि उसको लगे जो भी जहाँ से भी हो उसको लगे कि ये डिलीवर कर सकते हैं। बाद में मैंने पोस्ट करके यहाँ पर पब्लिशिंग, 2-3 मतलब 5-10 सेकंड लगते हैं इसको, तो हो जाता है खुद ही पब्लिश, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है जब तक ये कस्टमर के पास पहुँच जाए, तब तक मैंने गाड़ी धो ली। और बाद में जो ही मैंने फेसबुक खोला वहाँ पर एक मैसेज आई थी, ठीक है, तो मैंने उसका रिप्लाई कर दिया यस इट इज़ स्टिल अवेलेबल। बाद में मैंने क्या किया, क्योंकि अगर उसको ऑर्डर करना हो, क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है मीशो को खुद करना है, तो उसके लिए मैंने एक मैसेज बना लिया, ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया नेम, फ़ोन, पिन कोड, एड्रेस और लैंडमार्क और सिटी, अगर आप क्लोथिंग वगैरह रिसेलिंग कर रहे हो तो उसमें साइज़ भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और लास्ट में मैंने लिख दिया सिटी, ठीक है। ये लिख के मैंने पहले लिख दिया फिर से फॉर कन्फर्मिंग द ऑर्डर, क्योंकि कस्टमर को लगे थोड़ा सा जेन्युइन है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने सेंड कर दिया, ठीक है, फॉर कन्फर्मिंग द ऑर्डर सेंड, ये जो भी है तो ये भेज दिया मैंने। बाद में उस भाई साहब का मैसेज नहीं है जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और थोड़ा सा बुरा भी, तो मैंने सोचा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आइटम लिस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम लिस्ट करेंगे तो ज़्यादा कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुँच जाएगा। मैं चला गया फिर से मीशो में और यहाँ पर मैंने लिख दिया ट्रेंडी टी शर्ट, क्योंकि फेसबुक पर ज़्यादा यही चलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 5-10 मिनट सर्च करने के बाद मुझे एक टी शर्ट मिल गई जो कि मुझे मतलब लगा ये चलेगा, क्योंकि आपको विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना है जो कि जिसमें ज़्यादा कैंसिलेशन ना हो, ज़्यादा रिटर्न ना हो। तो मुझे यहाँ पर एक ऑर्डर दिख गया जो कि मुझे थोड़ा सा कूल लगा था, मैंने इस पर मतलब देखा, इसके रिव्यूज़ देखना चाहता था, तो मैंने इसके फ़ोटोज़ वगैरह देख लिए, इसके रिव्यूज़ देखे जो कि काफ़ी अच्छा था। और मैंने जो फ़ोटोज़ रिव्यूज़ में जो फ़ोटो वगैरह ऐड करते हैं बंदे लोग, तो उसके मैंने 2-3 फ़ोटो देख लिए जो कि थोड़ा सा मुझे लगा ना चलेगा ये प्रोडक्ट, थोड़ा सा दिखने में भी ठीक ठाक है और प्राइस भी ठीक ठाक है, ठीक है।
बाद में मैंने इसके फोटोज वगैरह डाउनलोड कर दिए, जैसे मैंने दिखाया आपको पहले प्रोडक्ट में कैसे फोटो डाउनलोड करने, यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ जाता है, बाद में इसके फोटोज वगैरह आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, 249 का प्राइस ध्यान में रखते हुए मैं चला गया फेसबुक, क्योंकि प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैंने यहाँ पर आइटम कर दिए, क्रिएट लिस्टिंग कर दिए और ये प्रोडक्ट डाल दिए इसमें। ठीक है, जो भी जितने भी फोटोज थे उसमें मैंने 2-4 फोटोज उठा के डाल दिए। ठीक है, क्योंकि 8 ही फोटोज आप ऐड कर सकते हो, तो मैंने 3-4 ऐड कर लिए, तो बस मैंने डन कर दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे खाली यही प्रोडक्ट भेजना था। फोटोज अपलोड करने के बाद मैंने डाल दिया टाइटल ट्रेंडी टेडी टी शर्ट। ठीक है, जो कि मीशो में भी लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया, जो कि थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, ट्रेंडी टेडी टी शर्ट। और प्राइस मैंने डाल दिया 389, तो जो कि थोड़ा सा मुझे 399 से घटा कर लग दिया मैंने 389। ठीक है, तो मैंने 10 रुपये और कम कर दिया, थोड़ा सा मुझे लगा ज़्यादा हो गया और अभी भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। चलो उसको बाद में देख लेते हैं, पहले लिखते हैं हम, बाद में जो भी कंडीशन है उसको हम न्यू कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिख दिए दिए हैं, सिंपल सा कुछ, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, बस नॉर्मल सा लिख देना है, क्योंकि हर जगह से डिलीवरी आ जाए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, और ये मैंने कर दिया और बाद में मैंने प्राइस फिर से देख लिया, मैंने जो लगा कुछ ज़्यादा हो गया, तो फिर मैंने 389 से घटा के 349 रख दिया, जो कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने करके थोड़ा सा फिर से देख लिया, कुछ प्राइस में ज़्यादा उधर इधर तो नहीं हो गया, तो ये मैंने करके नेक्स्ट कर दिया और इसको कर दिया मैंने पब्लिश। ठीक है, लास्ट में आ गया मुझे एक ऑर्डर जिसका मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा बन रहा था। ठीक है, एक साथ 10 ऑर्डर आ गए, वो भी एक बंदे का जो कि कुछ गुजरात से था, जिसने फोन नंबर वगैरह मुझे सेंड कर दिया फेसबुक पे, तो उसने बोला मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज कर दी, उसने एड्रेस वगैरह भेज दिया, जो भी फोन वगैरह वो गुजरात से था कुछ। इसका जो मुझे प्रॉफिट बना था, पहले तो मैंने देखा कि मुझे कितने में पड़ रहा है, वो आ रहा था 95 और इसके डिलीवरी चार्ज भी कुछ पड़ रहे थे जो था 91 और ये आता है 186। ठीक है, और मैंने कितने में भेजे इसको 250 में, और मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा था 64 और 64 × 10 ओके कितना बन रहा है 640, ये मेरा प्रॉफिट था। ठीक है जी, अब आती है वो तीन चीज़ें जिनका आपको खास ख्याल रखना है। पहला आता है विनिंग प्रोडक्ट, आपको ऐसा प्रोडक्ट चुन लेना है जो कि कस्टमर को देख के पसंद आ जाए और वो ये ना चाहे कि मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। और सबसे मेन बात, मार्जिन कम रखना है इसमें, ताकि कस्टमर को लगे वो प्राइस कम है तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो विनिंग प्रोडक्ट आपको ढूंढना है और अच्छा खासा प्रोडक्ट आपको ढूंढना है। और दूसरी बात आती है, आपको स्कैमर से बचना है। ठीक है, बहुत सारे स्कैमर से आपको बोलेंगे कि मैं हरियाणा से हूँ, मुझे 50 पीस चाहिए, 40 पीस चाहिए। ठीक है, और आपको स्कैम करके क्या बोलेंगे, मैं आपको 2 रुपये पहले ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो बाद में हमारा वो आर्मी कार्ड है, ये कार्ड है, तो इससे भी आपको थोड़ा सा बचना है, क्योंकि ये ज़्यादा चलता है। वो बोलेगा आपको पहले 1400 सेंड करो, 200 सेंड करो, 300 सेंड करो, बिल्कुल भी आपको यहाँ से किसी को भी सेंड नहीं करना, जो भी आएगा वहाँ से आएगा और आपको जो पैसे आएगा वो मीशो से आएगा। ठीक है, किसी को भी अगर आप कोई बोलेगा हाँ आप ऐसे कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो स्कैनर भेज दो, मतलब आप स्कैनर भेज सकते हो उसको, वो आपको पैसे कर सकता है, सेंड कर सकता है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो प्रोडक्ट के। ठीक है, और यहाँ से किसी को पैसे नहीं भेजना है, वो आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, और तीसरा आता है RTO। ठीक है, RTO आप मतलब क्या आता है, देखो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, बाई किया किसी कस्टमर के लिए और बाद में आपने कैंसिल किया, या कस्टमर ने फ़ोन ही नहीं उठाया डिलीवरी बॉय का और बोल दिया भाई साहब ये कैंसिल कर दो, इससे आपको क्या होगा, जो मीशो है उसका RTO कम हो जाएगा और जो ही फिर आप ऑर्डर करोगे वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा एक पर्टिकुलर ऑडियंस टारगेट करना है, मतलब आप लेडीज़ पर जा सकते हो, लेडीज़ आप मतलब टारगेट कर सकते हो, क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकते, टाइम पे फ़ोन उठाते हैं मैक्सिमम। आपको डेली यूज़ पर जाना है, जो बंदे को ज़रूरत लगे। ठीक है, और कुछ क्लोथिंग वगैरह पर जा सकते हो। ठीक है, ये थी तीन चीज़ें जिनका आपको खास ख्याल रखना है। तो मिलते हैं जल्दी से, मस्त वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।